माइकल डरपोक, एयर डिफेंस लाइक व्हाट दे आर डर के मारे, इतना बुरा नोव इंसान मैंने कभी नहीं देखा। माइकल डरपोक, मुझे भी हंसी आ रही है मास्टर जी। ओके ओके गस, बहुत हुआ, काम की बात। अब जाओ, माइकल का कोई भी फैमिली मेंबर दिखा, उसे किडनैप करके मेरे पास ला लो और फिर देखते हैं माइकल क्या करता है। वाह मास्टर जी, अब माइकल से एक कदम नहीं पूरे 100 कदम आगे चल रहे हो, क्या बात है। ऐसे ही मुझे लोग मास्टर नहीं कहते एगल, समझ आया ना मेरा नाम मास्टर क्यों रखा गया है। स्वागत है सभी का GTFI के एक नए एपिसोड में, सभी का स्वागत है। तो यार गाइज, आपने लास्ट एपिसोड देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो एक छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ। यार लास्ट एपिसोड में ना भाई, हम लोग एयर डिफेंस लेने गए थे। आपको पता है हमारा जो दुश्मन है ना भाई, गोस्ट मास्क भाई, उस बंदे ने ना भाई हमारे ऊपर हमारा शोरूम तबाह वगैरह सब कुछ कर दिया था। तो यार हम लोग वहाँ पर लेने गए थे, हमारा जो एयर डिफेंस है ना वो सारा वगैरह हर जो भी अपना मेंशन है हर जगह लगवा दिया, बट जो अपनी जहाँ फैमिली रहती है ना वहाँ पे हम लोग लगा ही रहे थे। तो यार गोस्ट मास्क के बच्चे ने ना भाई वहाँ पर अटैक वगैरह कर दिया, और गाइस फाइनली भाई मतलब हम लोग ने वो वाला मेंशन ना बचा लिया, एंड हमारी जो फैमिली वगैरह थी ना, अमेंडा ट्रेसी एंड जिम भाई सबको रेस्क्यू कर लिया, और गाइस फटाफट से मैं इनको ना इधर ले आया हूँ एंड ये वाले मेंशन में। तो यार गाइस, अब ना सारे जितने भी लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है भाई, जाके फॉलो कर देना। एंड मैंने बोला था आप लोग को कि यार अपने अपने फोटो वगैरह फिर से सेंड करो, तो यार मैंने लास्ट एपिसोड में फ़ोटो वगैरह भी लगवाए थे एंड इस वाले में भी लगाए जिसने मुझे फिर से फ़ोटो वगैरह सेंड किए। तो अगर आपने अभी तक नहीं की तो जाके मेरे को इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप और टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर देना अगर हो सके तो। और गाइस ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे ना जिम भी भाई साहब पता नहीं किससे कॉल पर बात कर रहा है, इसको मैंने रेस्क्यू कर लिया, इसको कोई जाने दे नहीं रहा हूँ एंड इसको ना हम लोग ने इधर ही रखा है। तो यार इस वीडियो को लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो फटाफट से कर दो और वीडियो को फुल वॉच करो। यार आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, एंड फटाफट से पूरा वीडियो देखना एंड बढ़िया बढ़िया से कमेंट करो कि यार आपको वीडियो कैसी लग रही है। एंड चलो यार फटाफट से मुझे अभी जो अपना दुश्मन है गोस्ट मास्क भाई, उसका गेम खत्म करना है। बहुत हो गया उस बंदे का, मतलब अब ना हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा। अभी यार हम लोग क्या चल रहे हैं ना, वो अपने से भाई बहुत आगे चल रहा है। मतलब एक सेकंड, ट्रेसी कहाँ गई गाइस? ट्रेसी दिख नहीं रही, और ऊपर देखो हमने एयर डिफेंस भी लगा रखा है। अरे यहाँ पर जिमी क्यों आ रहा है? यार जिमी कार में बैठ रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है कि मुझे ना प्लेग्राउंड में छोड़ दो, मेरा दोस्त वगैरह उधर आए। यार ठीक है यार चलो, और यहाँ पर अच्छा ट्रेसी यहाँ पर योगा कर रही है। ऑल राइट गाइस चलो कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी वगैरह भी उसको प्रोटेक्ट वगैरह कर रही है, और ऊपर देख सकते हो भाई यहाँ पर एयर डिफेंस वगैरह सब कुछ मैंने लगवा दिया। और ये जिमी कह रहा है कि मुझे ना भाई साहब जो प्लेग्राउंड होता है बीच वगैरह वहाँ पे छोड़ दो, उसके फ्रेंड वगैरह से बात इसलिए की है। यार मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार घर में बैठ, अभी ना अपने दुश्मन वगैरह बहुत ज़्यादा ही मतलब हो चुके हैं, और वो अपने फैमिली पे अटैक किया भी कल ही, और इसको आज ही जाना है खेलने के लिए। बट चलो यार अब क्या ही बोलिए, अभी ये बंदा ऐसा है ना, ये इतना ज़िद्दी बंदा है कि ये बात मानता नहीं है। तो चलो यार इसको फटाफट से ना कहीं से अभी फिर छोड़ के आते हैं एंड फिर वहाँ पे आपको। ऑल राइट यार गाइस फाइनली इसको मैं इधर छोड़ने के लिए आ चुका हूँ, ये बीच में ना ज़्यादा ही जा रहा है आजकल। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीमी को भी यार गाइस क्या बोलते हैं माइकल, मतलब माफिया वाला बना दे क्या? आप लोग बताओ यार चैट पे गाइस, जीमी को माफिया बनाए क्या, मतलब अपने जैसे एक खतरनाक वाला, समझे? या इसको गाइस कुछ पड़ाव लगा के ना कुछ डॉक्टर वगैरह बनाए, आप लोग एक बार मेरे को चैट पे बताना कि यार ये जीमी को गाइस क्या करे भाई। अभी इसके ये फ्रेंड है क्या भाई इसके? एक सेकंड, इसके फ्रेंड तो भाई नज़र नहीं आ रहे। अरे इतना कमज़ोर है क्या भाई, धक्का लगने के बाद ही ऐसा हो रहा है भाई साहब। ये ऐसे इसके फ्रेंड है ना भाई साहब, खतरनाक वाले, देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कोई गैंग वैंग बना लिया इसने भाई साहब, क्या ही बात है भाई। ठीक है यार भाई, देख के रहना जिम भी, कोई दुश्मन वगैरह ना आ जाए भाई। चलो ठीक है, इसको इधर छोड़ देते हैं, और भाई अपने जो काम है ना भाई, लेस्टर से मिलना है अपने को आज। ठीक है यार जिम भी मजे कर, और भाई आराम से कर आ जाना, और मैं इधर ना मेरी सिक्योरिटी वगैरह भेज दूँगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। बस भाई जल्दी से घर पर आ जाना, वरना गाइस पता है यार आप लोग को इस खतरनाक वाला सीन चल रहा है माइकल के ऊपर।
और अब मेरे को जाना है गाइस लेस्टर के सिगरेट बेस पर और उसको पूछता हूँ कि यार बहुत दिनों से लेस्टर से मिले नहीं है और वही बंदा ना अपने को मास्टरमाइंड का मतलब बता सकता है और हमारी हेल्प कर सकता है जो हमारा दुश्मन है उसको मारने के लिए। और पहले ही हमारे इतने दुश्मन हो चुके हैं ना कसम से बताऊँ तो बहुत ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं चलते हैं और फटाफट से लेस्टर से मिलते हैं और आप लोग को बताता हूँ गाइस वहाँ पर क्या सीन है और क्या नहीं। तो लेट्स गो। ऑल राइट यार गाइस फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं लेस्टर के बेस के ऊपर जो ये बेस है ना भाई किसी को ज़्यादा पता नहीं। चलो इधर मैं फटाफट से इधर उधर जाता हूँ आई थिंक यहाँ पर ही है ना क्या मैं थोड़ा पीछे आगे तो नहीं आ गया ना एक सेकंड। चलो इधर ही लग रहा है गाइस बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ कसम से ना जब अपने पास कुछ नहीं था जब मैं उसके पास आता था काम वगैरह करने के लिए छोटी मोटी चोरी होती है ना वगैरह वगैरह करने के लिए आते थे। एंड अब तो यार अपने को पता है कितना बड़ा वाला माइकल बिजनेसमैन वगैरह बन चुका है। चलो ठीक है यहाँ पर अपने इसके पास नहीं हमेशा एक बाइक इधर रखता है अगर जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं उन्हें पता ही होगा कि यार जो लेस्टर है यहाँ पर झाड़ियों पे भाई बाइक फटा रखता है। सो चलो यार इसके सिगरेट बेस पे आ चुके हैं गाइस एंड भाई देख रहे हो गाइस खतरनाक वाला बनाया है इसने। लेट्स एंटर करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है और पता नहीं है भी कि नहीं गाइस मेरे को लग रहा है ना अवेलेबल तो होगा। और गाइस इस बंदे ने क्या ही बनाया यार मतलब माउंटेन्स के अंदर ही बहुत बढ़िया वाला बेस बनाया मतलब खतरनाक बना। और ये बंदा सबसे खतरनाक वाला मास्टरमाइंड है आपको याद ही है एंड हैकर वगैरह भी बहुत कुछ है भाई ये बंदा बहुत कुछ जितनी कम तारीफ करे उतना वाइस मतलब कम पड़ेगा। ये हैकर है ना इसका वाइस ये चलो ये हैकर बॉय आई थिंक इसका यार लेस्टर का आ गया इससे मेरे को लग नहीं था लेस्टर वगैरह है। अरे हेलो लेस्टर का आ गया पता है क्या यार ये तो कुछ बोल नहीं रहे ना और ये कह रहा है कि लेस्टर वो वाले रूम में और कुछ ज़्यादा ही काम बिजी लग रहा है ये देख रहा हूँ मतलब ठीक है यार चल तुम अपना अपना काम करो भाई भाव ही नहीं मिल रहा इधर जब से अपन बहुत दिनों के बाद आए ना। चलो ठीक है यार यहाँ पर देख रहे हो गाइस फुल सिक्योरिटी टाइट करके रखी है। ऑल राइट गाइस यहाँ पर देख रहे हो भाई चोरी वगैरह करके लाया गया इसने गाइस यार लेस्टर ने इधर चोरी वगैरह करके लाया मेरे को लग रहा है इतना ज़्यादा गोल्ड वगैरह यार गाइस इसके तो मजे है भाई ना कोई दुश्मन बस चोरी करो एंड मस्त पैकी भाई पैसे छापो और गाइस कुछ भी नहीं यार अपन लोग इधर चोरी भी नहीं कर रहे हैं एंड कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी अपन इतने बड़े दुश्मन वगैरह है ना। चलो यार लेस्टर से बात करते यार सॉरी लेस्टर चलो बात करते हैं। ऑल राइट यार गाइस सारी की बातचीत वगैरह मैंने कर दिए और ये कह रहा है कि देख यार माइकल तू बहुत दिनों के बाद आया भाई बट हम लोग ने कल रात को ही चोरी वगैरह की है तो अभी हमको करना है आराम क्योंकि हम लोग ने इतने बड़े टनल वगैरह खोद के आए ना भाई हम इतने थक चुके हैं कि तेरे को क्या ही बताओ यार इसके लिए सॉरी। और ये कह रहा है कि तू अपना भाई पॉलिटिशियन पे ज्वाइन कर लिया है तो यार हमारे लिए अब तेरी हेल्प करना भी ना मतलब प्रॉब्लम हो सकती है हमें गाइस क्योंकि ये अब गवर्नमेंट की चोरी वगैरह करता है आपको पता ही है। और ये कह रहा है कि देखो अब थक भी गए और तू पॉलिटिशियन भी ज्वाइन कर रहा है मतलब तेरे को प्रेसिडेंट वगैरह भी बनना है तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है हमारे गैंग बंदों यार इसने तो हेल्प नहीं की यार शिट मतलब क्या ही बोले यार गाइस इसने कल रात को ही चोरी वगैरह करके आया अब अपने को कोई मास्टरमाइंड मतलब प्लान वगैरह करना होगा मुझे लगा यार कोई लेस्टर वगैरह की हेल्प लेंगे एंड भाई साहब गेम ख़त्म करेंगे गाइस क्योंकि इसके जैसा बंदा ना बहुत शातिर दिमाग है एंड क्या ही बोले शिट यार गाइस क्या स्टंट मारा है खतरनाक वाली। ऑलराइट यार इसको ना जैसे के वैसे रख देते और अपनी सुपरा वगैरह लेके आए लेकिन अब फटाफट से अब अपने को कुछ ना कुछ करना होगा और करते कुछ प्लान वगैरह पता नहीं यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा अब ये गोस्ट मास्क का लोकेशन मेरे को नहीं पता और उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही टाइट होने वाली है इतना तो मुझे 100% श्योर पता है कि यार बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदा है बहुत ज़्यादा ही पावरफुल उसके हाथ के नीचे ना बहुत ज़्यादा ही लोग वगैरह काम कर रहे हैं। ठीक है यार गाइस चलो फटाफट से अब अपने को ना जाना है अपने गैंग बेस पर और वहाँ पर कुछ करते हैं और फटाफट से देखते हैं क्या सीन है एंड क्या नहीं है। मेरे को लग रहा है ना कुछ हेल्प वगैरह वही कर सकते हैं वहाँ पर फ्रैंकलिन भी होगा एंड फ्रैंकलिन वगैरह से बातचीत करते हैं और पता करेंगे गाइस क्या सीन है। ऑल राइट यार फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं गाइस अपने गैंग बेस पर और यहाँ पर फ्रैंकलिन भी आया हुआ है और वो अपने जो न्यू कार्स वगैरह हमने ऑर्डर वगैरह किए थे ना भाई वो भी तो आ ही गए थे बट बहुत दिन पहले आ गए थे बट मैंने आपको दिखाया नहीं तो जब अपने शोरूम से पहले ही जब अपना शोरूम ब्लास्ट हो गया ना उससे दिन उसी दिन आ गए थे। बट ये देखो गाइस हमने जो ये कार्स को मॉडिफिकेशन करवाया ना भाई जी वैगन और जो ट्रक के पीछे का जो होता है भाई उसको जोड़ दिया हम लोग ने मतलब ज़्यादा लोग बैठ सके एंड और बढ़िया भी लगे देख रहे हो गाइस जी वैगन और इसको मॉडिफाइड किया ट्रक के साथ
हमारे गाइस जो भी है ना वर्कर्स, ठीक है यार, अब वो लोग तो मर गए बेचारे, अब अपने को नया शोरूम वगैरह करना होगा, कुछ बिजनेस वगैरह आप कुछ करना होगा, अब तो भाई अपने पास अब कोई भी बिजनेस वगैरह नहीं है, समझ रहे हो, मतलब अब अपने पास जो पैसा वगैरह है ना भाई, वही अब उससे काम चलाना होगा, समझ रहे हो गाइस, क्योंकि अपना शोरूम गया, इतने रेयर कार्स थे ना उसमें कसम से, बट अब क्या कर सकते हैं, चलो इनसे बातचीत वगैरह करते हैं और देखते हैं क्या सीन है और क्या नहीं है। तो गाइस चलो इधर अपने कमांडर वगैरह भी अवेलेबल है, सो ऑलराइट यार गाइस, अभी ना इनसे बातचीत वगैरह मैंने कर दिए, और गाइस ये कह रहा है कि हम लोग ना कुछ करेंगे, एंड ये कह रहा है कि फ्रैंकली कह रहा है कि मैं भी ना कुछ ट्राई वगैरह करता हूँ, एंड ये जो गोश्त मास्क की अभी ना तेरी जो प्रॉब्लम है वही ज़्यादा बढ़ते जा रही है, ठीक है यार गाइस, फ्रैंकलिन भी अपने साथ में, बट ये बंदा भी क्या करेंगे यार, ये तो अब ये तो मास्टरमाइंड है नहीं, ये भी अपने जैसे ही है, और ये कह रहा है कि कुछ सोचना होगा अभी, इतनी जल्दी तो कुछ सोच नहीं सकते, ठीक है यार अब क्या ही करें। एक सेकंड, किसी के कॉल आ रही है यार, ऑलराइट यार मुझे अभी ना कॉल आई थी गोश्त मास्क की, और वो कह रहे हैं कि अभी जो जिमी है ना भाई, जिमी को हमने उठा लिया है जगह पे, और तेरे को आना होगा लोकेशन, जो हमने लोकेशन वगैरह दी है ना भाई, वहाँ पर आ जाओ वरना मैं जिमी को बॉम्ब से उड़ा दूंगा, इसकी भैंस किया। चल यार फ्रैंकलिन फटाफट से मेरे साथ चल, यार फ्रैंकलिन जल्दी से चल फटाफट से गाड़ी भगा यार, ये वाली कार भी मैंने इसको गिफ्ट की थी, AMG GMT सीरीज वाली, एंड बहुत फास्ट कार है यार। ये जिमी की भैंस की आग, मतलब क्या ही बोलूँ यार, किडनैप कर लिया उसको, मैंने बोला था यार मत जा बाहर, बट यार उसको वो मेरे बात सुनता ही कहा है, मतलब वो कितना ज़िद्दी बंदा है यार, अब कोई बात नहीं, चलो फटाफट से यार उसने मेरे को एक लोकेशन पे बुलाया है, कह रहा है कि फटाफट से उधर आ जा, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है और बहुत कुछ है, तो चलो यार अब ना फटाफट से लोकेशन की ओर निकलते हैं। ऑलराइट यार गाइस फाइनली ना भाई मैं आ चुका हूँ भाई लोकेशन के ऊपर, और यहाँ पर ही कहीं मुझे उसने बुलाया, आई थिंक इधर ही कहीं बुलाया ना, एक सेकंड मेरे को इधर कोई दिख नहीं रहा गाइस, ये कबाड़ा में बुलाया क्या यार, ये जिमी गाइस क्या ही करता है यार, ये मेरी बात सुनता ही नहीं, उसको मैंने बोला था घर में बैठ, बट फ्रेंड के साथ जाना है मौज मस्ती करनी, अब क्या करें यार, यार फ्रेंड जो इधर आजा फटाफट से मेरे पीछे आ जा, मेरे को लग रहा है ना यही वाले गैरेज पता नहीं क्या है जो भी है, आई थिंक इधर ही कहीं होना चाहिए। हाँ गाइस वो देखो गाइस, वो गोश्त मास्क की जो सिक्योरिटी वगैरह कमांडर जो भी है पता नहीं भाई इधर ही है, शिट यार गाइस इधर ही गाड़ी रुकानी पड़ेगी, फ्रैंकलिन इधर ही रोक दे, और चलो यार फ्रैंकलिन तू भी चल यार मेरे साथ फटाफट से ना गाइस, यार गाइस पता नहीं यार कैसे यार जिमी को उठा लिया यार, दुश्मनी ले रहा है भाई, हम हमारे से पंगा लेना दम है तो भाई, हम जब भी उसके आगे जा रहे हैं ना वो बंदा अपने से भाई किधर है गोश्त मास्क, ये कह रहा है कि आगे जाके राइट ले लो, ठीक है यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, जब भी हम ना गोश्त मास्क को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं ना भाई, वो हमारे से दो कदम या तीन कदम आगे चल रहा है, मतलब वो कितना बड़ा वाला मास्टरमाइंड है यार, मतलब डगन बॉस से भी खतरनाक है, जब हम डगन बॉस हमारा दुश्मन था ना भाई वो भी इतना खतरनाक नहीं था, बट यार ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल दिख रहा है, इसके अंडर में यार बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। चलो यार अब इससे बातचीत वगैरह, इधर से राइट मारनी है क्या, अरे भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया, अरे 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 गोश्त मास्क ने बुलाया मुझे भाई, ये कह रहा है कि तू अकेला ही जा, तू ना फ्रैंकलिन वगैरह को जो तेरा पीछे बंदा है ना भाई उसको मत ले जा यार, फ्रैंकलिन अरे जाने दो ना सर, जी हम दो तो है भाई, अभी भी गन पॉइंट करना है भाई, क्या ही करें यार फ्रैंकलिन, एक काम कर तू पीछे रह जा, अब ये लोग जाने जाने वाले तो है नहीं यार, ये क्या ही छपरी बंदे भाई, इतनी फट रही इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी, यार फ्रैंकलिन तू पीछे रहना, चलो यार भाई अकेले जाने दे रहा है गाइस, ऑल राइट यार अब क्या ही बंदे यार, मतलब जिमी को उठा दिया सीधा, अब जिमी के लिए मेरे को इधर आना ही पड़ेगा गाइस, वरना वो कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं आओगे तो भाई उसको बॉम्ब वगैरह पता नहीं क्या कह रहा था, उसकी बात ठीक से मुझे सुनाई नहीं थी, और उसका यार फ़ोन नंबर भी ऐसा ना गाइस, हम लोग ट्रैक वगैरह भी नहीं कर सकते, उसका नंबर तो है बट ट्रैक वगैरह हम लोग नहीं कर सकते भाई, एक सेकंड इसी से बातचीत करते हैं, अरे हम गोश्त मास्क किधर है भाई, भाई ये कह रहे कि सर आएंगे तुम वेट करो थोड़ा सा, यार क्या वेट करूँ यार, इधर जिमी को किडनैप कर लिया, इसके अंदर है क्या भाई, व्हाट भाई टाइमर बम लगाई क्या इसमें, अरे भाई टाइमर बम तो निकाल दे, मैं आ गया हूँ ना इधर, ये कह रहे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, निकाल दे यार वरना मर जाएगा भाई, टाइमर बहुत कम लग रहा है उस पर भाई, ऊपर देखो यार ऊपर भी यार इतने सारे गन वाले मेरे पर गन एम कर रहे हैं यार, भैंस क्या ऊपर देखो भाई, कोई चांस ही नहीं इसको मार के बचाने का भाई, उस पे ना टाइमर बम लगा है, अगर हमने कुछ भी गलती वगैरह की ना समझ रहे हो, डायरेक्ट
एक बटन दबाएंगे और गेम खत्म है यार। कोस मास जल्दी से आ जा यार, प्लीज उसको छोड़ दे भाई, मेरे को किडनैप कर दे, एंड चिमी को छोड़ दे यार। यार देख रहे हो ना भाई, और एक सेकंड स्टिकी बॉम्ब भी लगे यार, दरवाजा भी बंद कर रखा है इसने, स्टिकी बॉम्ब है और एक बड़ा वाला TNT लगा है, पता नहीं जो भी है यार। यार गाइस पूरी की पूरी इसकी सिक्योरिटी वगैरह है यार। एक सेकंड आ गया इधर, पता नहीं कहाँ से आया ये भाई, ये गोस्ट मास्क इधर आ चुका है, पता नहीं क्या कह रहा है गाइस। अरे अब तो छोड़ दे भाई, अब तो छोड़ देना, मैं आ चुका हूँ ना इधर भाई। ये कह रहा है कि देख मैं इसको छोड़ दूंगा, बट तू एक काम कर मेरे लिए, तू तो मेरे टीम में ज्वाइन वगैरह कर नहीं रहा है, तो तेरे को एक आज काम करना है मेरे लिए, और तू मेरी टीम ज्वाइन करके रहेंगे। और ये कह रहा है कि मेरे नीचे ना, मेरे हाथ के नीचे इतने लोग काम करते हैं, इतने बड़े बड़े क्लाउड हो गया एंड बहुत कुछ, तो तेरे को भी काम करना होगा। तो ये कह रहा है कि देख आज होने वाला है बहुत बड़ा वाला ऑक्शन, और वहाँ पर एक सबसे रेयरेस्ट स्टैचू है, उसको जाके तुमको चुराना है, अगर नहीं चुराएंगे तो तेरे जो बेटा है जीवी उसको बॉम्ब से उड़ा देंगे, और आज का सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, कैसे भी करके ना उसको छुड़ा ही दे। यार ये क्या कह रहा है, एंड VIP एक्शन हो रहा है गाइस, इसमें मेरा क्या लेना देना है भाई। ये कह रहा है कि जो एक VIP ऑक्शन हो रहा है वहाँ पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, एंड जो एक सबसे रेयर स्टैचू है जो भी वो खरीदेगा ना भाई, वो तेरे को इधर लेके आना है, अगर नहीं लेके आया तो फिर ये जो टाइमर वगैरह लगा है ना, ये ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा, और जो है सब कुछ इधर नहस नहस हो जाएगा। यार भाई ऐसे मत कर ब्रो, यार छोड़ देना यार, अब क्या ही बोलूँ यार, मेरे को किडनैप कर दे, बट अब क्या ही बोलूँ यार गाइस, हंस रहा है गाइस, गाइस क्या ही बोलूँ भाई। ये बंदा मेरे से ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, इसको पता ही है, आपको पता ही हमेशा ना। एक सेकंड भाई, पीछे से कौन मार रहा है यार, ये एगल कहाँ से आ गया यार, इसकी बहस किया कभी, ये लोग मेरे मजे ले रहे गाइस मार मार के। यार गाइस ये क्या ही बोलूँ यार गाइस, ये भी इसके हाथ के नीचे काम कर रहा है, मतलब ये तो करता ही है, बहुत बड़े बड़े लोग इसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं भाई, ट्रेवर भी किया एंड मिस्टर के भी किया, और गाइस मिस्टर GTA 3 का क्लाउड वो भी, और बहुत सारे ही लोग इसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं गाइस। और ये मेरे को कह रहा है कि तू भी मेरी गैंग ज्वाइन कर ले, और बट ये कह रहा है कि सिर्फ राजा मैं ही होऊंगा गाइस, समझ रहे हो, अगर मैं राजा बनता तो मैं इसकी टीम, मतलब मेरी टीम होती, बट यार मारे जा रहा है, इसकी फैस किया गया, ये एगल को मारना होगा यार, ये ज़्यादा है ना भाई, शान पत्ती कर रहा है ये जो घोस मास के साला, बट ये इतनी बदतमीजी नहीं कर रहा है, जबकि ये ज़्यादा ही ना भाई कर रहा है साले, तेरे को गन से मारता हूँ, एक सेकंड रुक जा, साले को मारता यार गाइस, गन से मारूंगा ना भाई, उधर जीमी का गाइस फालतू का लोन हो जाएगा भाई, मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, भी मार खानी होगी भाई, मार ले जितना मारना है मार ले भाई, मेरा भी टाइम आएगा और तेरे को तेरी औकात में दिखा के रहूँगा गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, उसको ना उसकी औकात दिखा ही देंगे, मार ले बेटा जितना मारना है ना मार ले, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब क्या ही कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसी है ना, ये बंदा मास्टरमाइंड एंड बहुत शातिर बंदा है, पता नहीं गाइस ये क्या करता है, इतना पावरफुल हो गया ना, बहुत ज़्यादा ही गाइस खतरनाक बंदा है, एंड इसके अब बहुत बड़ा ही गाइस, क्या ही बोलूँ यार, अब पता नहीं यार कब तक पिटेगा साथ, और छोड़ दो भाई, तुम्हारे लिए काम भी कर रहा हूँ, पिटाई भी खा रहा हूँ, अब क्या क्या करूँ तुम्हारे लिए यार, साले खुद स्टैचू चोरी नहीं कर पा रहे, पता नहीं अब ये स्टैचू चोरी करने का क्या इरादा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, इतने पावरफुल लोग होने के बाद भी इसने मेरे को क्यों चूज़ किया यार। यार बस कर भाई, कितना मारेगा भाई, खूब निकल रहा है अब यार, इसको मैं गन से मारने की डराने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बट साला डर भी नहीं रहा, इतना खतरनाक वाला पहना है ना इसने, क्या ही बोलूँ यार, शिट यार गाइस, अब ना इस बंदे ने मारना बंद कर दिया है, और दोनों हंसे ही जा रहे हैं, और साले ने इतना मारा है ना भाई, पैर पे थोड़ा इतना मार लग गया है कि अब मेरे को लग नहीं रहा चल पाऊँगा भाई, तुम्हारे लिए काम भी कर रहा हूँ एंड जिमी को बचाना भी है, चोरी भी करनी है, इतने बड़े बड़े VIP ऑक्शन है, मतलब वहाँ पर है, ये कह रहा है कि तेरी गलती हमारी गलती तो है नहीं, और तू हमारी टीम ज्वाइन कर ले और मेरे हाथ के नीचे काम कर ले भाई, तेरे हाथ के नीचे भाई मैं कभी काम करने वाला तो हूँ नहीं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, अब उठता हुआ क्या ही कहूँ यार, अब कुछ करना होगा गाइस, ये ना बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, अब क्या ही करें, अब मेरे को कोई ऐसा बंदा ढूंढना होगा ना जो कि, बट अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है,
अब इसने मुझे जो बोला है वही करना होगा। अब 24 घंटे का टाइमर इसने लगा दिया है, अब कैसे भी करके ना मेरे को जाना है, वरना ये बंदा आपको पता है इसने हमारे गैंग बेस के बंदे को मारा और कितने लोगों को मारा है। तो यार ये इसका कुछ भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कैसे भी करके ना अब ये स्टैचू चोरी करना होगा। अगर मैंने चोरी कर लिया तो जिमी बच जाएगा, बट मेरे को पता नहीं, गारंटी नहीं अगर इसने नहीं दिया तो ये भी एक बड़ा वाला गाइस क्वेश्चन मार्क है। यार फ्रैंकलिन चल, फ्रैंकलिन कह रहा है कि ये क्या हो गया भाई, अच्छा हुआ तू मेरे साथ नहीं आया वरना तू भी पिटता भाई। चल अच्छा ही क्या तेरे को इधर रुका के, अब क्या ही बोले यार, अब बेचारा बच गया यार, फ्रैंकलिन मेरे साथ आना चाहिए था, बट क्या ही करे यार, ठीक है वरना फ्रैंकलिन आता तो क्या पता इसको भी ये बंदा गुस्से में आके गोली मार देता। ठीक है यार अच्छा ही किया, चल यार फटाफट से बैठ जा फ्रैंकलिन, तेरे को सब समझाता हूँ रास्ते में। और गाइज अब कोई रास्ता नहीं है, अब जो भी ऑप्शन वगैरह चल रहा है ना भाई, कह रहे कि बड़े बड़े लोग आए हुए यार, अगर मैं चोरी करूँगा तो यार मेरा भाई इतना नाम है गाइस आपको पता है यार लॉस सैंटोस में, हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, बड़े बड़े काम किए, प्रेसिडेंट की जान बचाई दो बार, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा होस्टेजेस वगैरह की जान बचाई और बहुत कुछ किया है, और चाइना की आर्मी से भी फाइट किया हमने, बहुत कुछ किया है। और अब ये कह रहा है कि इसका मेरे को लग रहा है ना भाई हमारा लॉस सैंटोस में नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और पता नहीं अभी ऑक्शन में कौन कौन आया, अभी वो मूर्ति मतलब जो स्टैचू वगैरह है ना भाई कौन खरीदेगा मेरे को नहीं पता, जो भी खरीदेगा चोरी वगैरह करनी होगी, और मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो मैं स्टैचू लेके आऊँ। तो चलो यार फटाफट से ना लोकेशन की ओर चलते हैं। ऑल राइट यार गाइस फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं, जो मुझे लोकेशन दी है ना गोस मास ने भाई, जहाँ ऑप्शन हो रहा है भाई उधर तो मैं आ चुका हूँ, बट अब मेरे को इधर देखना है कि हम लोग चोरी करेंगे कैसे, क्योंकि हमें अंदर जाएंगे तो अंदर सिक्योरिटी वगैरह भी टाइट होगी, और मेरे पास अभी टाइम वगैरह भी कम है, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं मेरी सिक्योरिटी वगैरह को बुला सकता हूँ एंड इनका ना गेम वगैरह ख़त्म कर सकता हूँ। एंड एक सेकेंड, ये तो डगन बॉस है ना, वेट और भी बहुत सारे लोग हैं यार, हो गया गाइस गेम, अगर गेम हो चुका है गाइस भाई, मेरी सिक्योरिटी वगैरह को कैसे बुलाऊं यहाँ पर, ये तो डगन बॉस अपना फ्रेंड है, और पता नहीं ये कौन है गाइस, ये तो वही बंदा है जिसने मेरे शोरूम से कार वगैरह खरीदी थी, और ये लड़की पता नहीं कौन है यार, सबकी सिक्योरिटी वगैरह इधर मेरे को दिख रहा है। यार फ्रैंकलिन जल्दी से चल यार, एक काम करते कार ना पार्किंग वगैरह में लगाते हैं, मेरे पीछे चल यार, तुम लोग ने देखा उधर डगन बॉस खड़ा है, और पता नहीं इतने बड़े बड़े मिलीनियस लोग VIP लोग आए हुए हैं, यार फटाफट से इधर ही कहीं प्रैंक मेरे को लग रहा है ना पार्किंग वगैरह हो सकती है। चलो चल इधर आ जा फटाफट से ना, पार्किंग वगैरह कर देते हैं यहाँ पर ही कहीं, एक सेकंड भाई इधर ना गाइस मेरे को कुछ सिक्योरिटी वगैरह खड़े हुए नज़र आ रहे, एक काम करता हूँ मैं इधर ही कहीं पार्किंग वगैरह लगा देता हूँ, यहाँ पर कहीं पार्किंग वगैरह नहीं है क्या भाई, उधर ना डगन बॉस की सिक्योरिटी खड़ी है, समझ रहे हो, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएंगी फिर गाइस, मेरे को नहीं चाहता कि मेरे और दुश्मन बढ़े, पहले डगन बॉस मेरा दोस्त है, अगर उससे भी मैं हेल्प ले सकता हूँ गोस्ट मास को मारने के लिए। अरे फ्रैंकलिन तूने यहाँ पर, अरे इधर भी पार्किंग है क्या, अरे यार पहले बोलता ना कोचू भाई, ये किसने इधर कार पार्किंग लगा दी यार मेरे को इधर, चल ठीक है यार आजा भाई, अब करना क्या है मेरे को बता यार, फ्रैंकलिन कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस भाई, इतनी बड़ी वाली प्रॉब्लम भाई, मेरे को लग रहा है ना ये जो गोस्ट मास है ये मेरी और डगन की ना फाइट वगैरह करवाने की कोशिश कर रहा है, आप लोग को क्या लगता है भाई, मेरे को तो यही लग रहा है, एंड मेरा नाम भी ख़राब होगा और मेरी दोस्ती भी टूट जाएगी, इसीलिए भाई वो बंदा कितना बड़ा वाला मास्टरमाइंड है यार भाई, यार गाइस क्या ही करूँ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अगर वो वाला ऑप्शन में अगर स्टैचू अगर डगन बॉस ने ख़रीद लिया ना, और मुझे वही स्टैचू ले जाना है गोस्ट मास के पास, एंड जिमी को मैं बचा नहीं पाऊंगा यार भाई, यार इतनी गंदी वाली सिचुएशन में फंस चुका हूँ ना यार, ये देखो डगन बॉस और उसकी सिक्योरिटी वो भी टाइटन वाली है, उनको मारना बहुत मुश्किल है, इनका जो आर्मर है ना भाई वो ब्रेक ही नहीं होता है, बहुत पावरफुल सिक्योरिटी है, टाइटन सिक्योरिटी भाई, स्पेशल सिक्योरिटी है ये, अवेलेबल भी नहीं है कोई ऑप्शन वगैरह में, और यहाँ पर व्हाट शेक भाई, मेरा GTA 5 का पहला फ्रेंड मिस्टर शेख, जिसने मुझे दो रेयरेस्ट कार गिफ्ट किए जो अभी भी मेरे पास ने, जिसको पता है भाई उनको पता होगा जो मेरे पुराने व्यूवर्स है,
अरे फ्रैंकलिन अपन लोग गए आज भाई। जिमी सॉरी, आज मैं तेरे को बचा नहीं पाऊंगा भाई। ये तो धर्म संकट में फंस चुके हम लोग भाई। यहाँ पर शेक आए हुए है एंड टगन बॉस, और ये देख रहे हो भाई इसके फुल। और ये कौन है यार, ये कौन सी सिक्योरिटी खड़ी इधर? बैटमैन वाली सिक्योरिटी है क्या ये? मुझे नहीं पता इस सिक्योरिटी का क्या नाम है, बट भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक नज़र आ रही है गाइस। ये देखो, पता नहीं है ये लड़की ना कोई बिलीनियर वगैरह होंगी पक्का भाई। ये बंदी जो भी है ना भाई, मिलीनियर या बिलीनियर हो सकती है भाई। इसकी सिक्योरिटी देखो यार, ओ भाई इतना खतरनाक वाली आर्मर वगैरह है भाई। मेरे को ना भाई छुप, मैं अंदर भी नहीं जा सकता। और ये वही बंदा है गाइस, ये बंदा कौन है यार? ये इंडिया के लोग है क्या? व्हाट भाई, इंडिया का बिलीनियर भी आया हुआ है यहाँ पर यार। ये बंदा मेरे शोरूम में कार खरीदने भी आया था। ये कौन है गाइस, मेरे को एक बार चैट में बताना भाई। ये इंडिया के लोग है और ये इंडिया जैसे भाई चोटी वगैरह पहनी है। व्हाट द हेल मैन, वो देख लिया क्या? नहीं नहीं भाई, ये मिलीनियर है क्या? कसम से ये बंदा मेरे शोरूम में आया था कार खरीदने के लिए, मुझे पता ही नहीं मिलीनियर है भाई। डगर बॉस ना देख ले भाई, समझ नहीं आ रहा है अंदर कैसे जाऊँ भाई। एक काम करता हूँ, राइट से चले जाऊँगा। अगर राइट में जाऊँगा तो ऑप्शन। और एक सेकंड, इसका भी नहीं मैंने कहीं सुना, ये माफिया वगैरह है ना कोई भाई? इसकी भी सिक्योरिटी है? अरे अरे डगर बॉस दे, देखते देख ले। नहीं 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 देखा, नहीं देखा। फ्रैंकलिन चल चल इधर से चल, कुछ करना होगा भाई। बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी अपन लोग अगर चोरी वगैरह करेंगे ना भाई। इनकी सिक्योरिटी देख कितनी पावरफुल है। और अपनी सिक्योरिटी इधर बुला ली ना भाई। ये भाई मेरे को नहीं मरना, ये पांचों बहुत पावरफुल लोग है भाई। शेख ये बंदा बहुत पावरफुल है। एंड ये पता नहीं गाइस डगन बॉस और ये माफिया, मैं नहीं चाहता कि ये पांचों के पांच लोग मेरे दुश्मन बने यार। ऑलरेडी एगल, एगल का छोटा भाई और गाइस मिस्टर क्लाउड और कोस्ट मास, इतने सारे हमारे दुश्मन हैं। और ट्रेवर भी है कि नहीं मुझे नहीं पता। और यहाँ पर इन लोग ने पार्किंग वगैरह की है, मिस्टर शेख की कार है ये और उसकी सिक्योरिटी वगैरह। और ये देखो भाई, ये कौन सी सिक्योरिटी है भाई? मेरे को इधर से निकलना होगा। और ये पिंक कार लग रही है ना, वो लड़की बिलीनियर है ना, उसकी होगी। गाइस मैं नहीं चाहता कि मुझे और भी दुश्मन चाहिए भाई। पहले 6-7 दुश्मन ऑलरेडी पाल रखे, अब ये इनको 5 को ऐड कर दूंगा, टोटल 11-12 हो जाएंगे। फ्रैंकलिन पीछे आता भाई, कुछ ना कुछ करना होगा प्लान वगैरह। गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये गोस्ट मास का भाई फुल प्लान है। वो चाहता है कि माइकल ना भाई ख़त्म हो जाए भाई। मेरे को फ्रैंकलिन कह रहा है कि तू एक काम कर, तू मास वगैरह ले ले और मैं अपना ना भेस वगैरह बदल के आता हूँ। यार सही है, मेरे पास तो वैसे एक मास रखा है कार के अंदर, चलो पहन लेता हूँ। और वो कह रहा है कि मैं ना एक ऐसा मतलब रूप चेंज करके आता हूँ कि समझ रहे हो, मतलब कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि अपन लोग माइकल है, फ्रैंकलिन है। और चल यार फटाफट से जल्दी से जा दुकान पे, जाके कपड़े बदल, जितने पैसे लगते ले ले भाई। ये कह रहा है कि मैं वीक वगैरह सब लगा के आता हूँ, वैसे कपड़े पहन के आऊँगा ना भाई, अमीर और बिलीनियर लगूँगा भाई। यार गाइस मैंने मास्क वगैरह पहन लिया एंड भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई और दुश्मन बने यार। गाइस अगर आप भी नहीं चाहते हो तो एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार। वीडियो को कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार भाई। सब्सक्राइब मेरे एक महीना हो गया, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर बढ़े यार। और व्यूज़ आ रहे हैं 10,000, बट सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। एक महीने में 100 सब्सक्राइबर बढ़ा है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार। दिल से बुरा लगता है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट यार इतनी मेहनत करने के बाद भी ना। और ये देख रहे हो ये सिक्योरिटी कौन सी है भाई? भाई ये बैडमिंटन वाली सिक्योरिटी है क्या? बैटमैन, ओ भाई। ओ गाइस यार ये पिंक कार है ना गाइस, ये लग रहा है वो लड़की की ही लग रही है यार। तो गाइस यार आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम हर जगह जाके फॉलो कर दो गाइस, क्योंकि इस वाले चैनल में हो चुकी है प्रॉब्लम यार। गाइस आपको पता है मैंने बोला था एक स्ट्राइक आ चुकी है। यस गाइस, फिर भी यार मैंने बहुत सारे लोगों को बोला नहीं जो इंस्टाग्राम पे मैं वो डाल दिया हूँ। और प्लीज़ यार मेरे को नहीं पता अभी ये किसने फेक स्ट्राइक मारी है, तो यार आप लोग प्लीज़ यार सभी जगह जाके मेरे को फॉलो कर दो। अगर इस वाले चैनल डिलीट होता है ना भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर मैं आपसे कनेक्ट कैसे होऊंगा? तो आप लोग जाके हर जगह फॉलो कर दो प्लीज़। अभी मैं कैसे भी करके ना सॉल्यूशन वगैरह ढूंढता हूँ, और जो फेक स्ट्राइक एक बंदे ने मारी है ना भाई, पता नहीं क्यों मारी है। अब दो आ गए तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, तो चलो यार अब क्या ही करें। और ये शेख देखो, मैंने मास्क वगैरह पहना है भाई, मिस्टर शेख आए भाई गाइस। और ये कौन है, ये लड़की मिलीनियर है भाई। मैंने मास्क वगैरह पहन लिया ठीक है ना, वरना तुम लोग बोलोगे आगे कैसे जा रहे हैं भाई। ये सिक्योरिटी देख रहे हो, क्या ही लग रही है
और भाई साहब डक्कन सर भी इधर मतलब अपना दोस्त, पहले दुश्मन था बट अपना दोस्त बन चुका है, क्योंकि इसकी भी फट रही थी गोस्ट मास से, इसलिए मेरे से जुड़ गया, पता है इसकी भी ना एक प्रॉब्लम थी। और ये गैस ये कौन है, मैं इसको कभी देखा नहीं गैस, ये इंडिया के लोग नजर हैं भाई, ये इंडिया के लोग हैं पक्का, इतना पता है मेरे को इनका, देख के समझ आ रहा है। और ये आई थिंक बिग माफिया आएगा, पता नहीं गैस ये बिग माफिया लग रहा है अभी, जब से हमने गेम स्टार्ट किया हम लोग इनसे तो मिले नहीं है। बट यार चलो अब वेट ही करते गाइस यार, फ्रैंकलिन वगैरह वो अपना भेस वगैरह बदल के ना आ रहा है, ठीक है आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ही ना वो बंदा ऑक्शन वगैरह में हम लोग जाएंगे, और हम लोग एक बढ़िया सी जो स्टैचू है ना जो हमको चोरी करके लानी है, जिसका ऑक्शन चल रहा है वही हम लोग ले आए। चलो अभी यार गाइस वेट ही करते और पता वगैरह करते गाइस क्या सीन है। ऑल राइट यार गाइस ये देखो भाई हो चुका है, 15 मिनट हो गए थे और भाई ऑक्शन वगैरह शुरू हो गया होगा, और ये देखो भाई भाई फ्रैंकलिन आ चुका है, वेलकम, मतलब एकदम अमीर बंदा बन गए भाई, पहचान में कोई नहीं आ रहा भाई, इसके बाल आ गए तो कोई पहचानने वाला है नहीं भाई, कोई नहीं पहचानने वाला है। ये कह रहा है कि तू अब गन वगैरह हाथ में दे ले, तू बिल्कुल ना मेरी सिक्योरिटी वगैरह नज़र आनी चाहिए, एकदम सही कह रहा है। तो यार गाइस मैं सिक्योरिटी बन गया मेरी, मुझे अब क्या बोलो यार, मतलब इतना बड़ा आदमी सिक्योरिटी गार्ड बन गया, अब क्या करे यार भाई। अरे सॉरी, अभी मेरे को आदत नहीं ना भाई पीछे चलने की, फ्रैंकलिन समझा कर यार, धक्का लग जाता है, मैं चलता हूँ पीछे, हम मतलब आगे चलता हूँ भाई, मैं बॉडीगार्ड बन गया, मैंने सोचा नहीं था अभी, अब चलो यार फ्रैंकलिन का बॉडीगार्ड बन गया, अपना ही दोस्त है बेचारा, अपनी हेल्प कर रहा है वही बड़ी बात है, वरना भाई कोई मेरी हेल्प ही नहीं कर रहा है। ट्रेवर ने धोखा दे दिया, वो चला गया, पता नहीं क्या बंदा है वो, कभी धोखा देता है कभी दोस्त बनता है भाई, उसका तो वो बिल्कुल ना भाई पागल इंसान है वो, उसका तो कुछ नहीं है भाई, उसका कुछ सच्चा नहीं है भाई, बस मेरा फ्रैंकलिन पक्का दोस्त है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फ्रेंडशिप ओपी लिख दो, तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो ना यहाँ तक देख लग रहे ना भाई, ऑक्सीजन वगैरह स्टार्ट हो गया फ्रैंकलिन, चल यार फटाफट से यार जल्दी जल्दी चल यार भगाना यार, ये कह रहे हैं कि बिलियनर वाली फीलिंग तो आनी चाहिए ना भाई यार, चल यार वो भी सही है, अब क्या करूँ यार, ज़िंदगी में एक बार मौका मिलता है, घर वगैरह मैंने निकाल दिए भाई, सब चले गए क्या भाई, सब चले गए भाई, सारे के सारे चले गए, और इनकी सिक्योरिटी वायर क्यों है भाई, एक इनका आदमी चला गया, सिक्योरिटी वायर क्यों है, सिक्योरिटी वगैरह वायर क्यों, चेकिंग वगैरह कर रहे हैं क्या, चलो चलो फ्रैंकलिन चलो चलो ना, क्या हो गया भाई। अरे ये कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं जा सकते अंदर, भाई क्यों, ये कह रहे हैं कि जो एक ही बंदा जा सकता है सिर्फ बिलियनेयर, मतलब जो ऑक्शन में खड़ा आ रहा है वही जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम बता नहीं सकते। अरे सर जाने दो ना यार भाई, फिर मैं क्यों बनाऊँ सिक्योरिटी गार्ड इधर यार, चलो यार मास्क वगैरह पहन लिया भाई, फ्रैंकलिन चला गया भाई, यार मेरे को कॉल करना होगा उसे गाइस, मुझे कॉल करना होगा, इसी ही तो सारी सिक्योरिटी बाहर खड़ी, डगर मोस चला गया, शेख साहब चले गए, और गाइस ये जो भी लड़की वगैरह थी वो भी गई भाई, दो लड़की गए वैसे, आई थिंक दो दोनों भी दिनों हो गए, बहन भाई हो सकते हैं, मतलब बहन भाई, और एक माफिया वगैरह भी था, और एक पता नहीं एक इंडिया का कोई आदमी था इधर, वो भी चला गया, अब मुझे वेट वगैरह करना होगा। ऑल राइट यार, मुझे अभी फ्रैंकलिन कॉल आई थी और कह रहा है कि अभी ना ऑक्शन वगैरह स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, अभी पता नहीं यार भाई, मैं चाहता हूँ कि बस यार ये जो भी है ना भाई टग्गन बॉस ना खरीदे, और शेख साहब है ना मतलब जो प्रिंस है दुबई का जो भी है भाई, ये दोनों ना खरीदे यार, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों प्लीज़ ये स्टैचू को ऑक्शन में बाय ना करें गाइस, मैं नहीं चाहता कि दोनों पावरफुल लोग से मेरी दुश्मनी हो, और ये खासकर शेख से भाई, ये बहुत पावरफुल बंदा है, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल, इतना पैसा है ना इसके पास, ये पूरा क्या बोल सकता हूँ, बस यार दुआ करो कि यार ये दोनों ना खरीदें। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं अंदर, तो हम जा नहीं सकते, हमारी सिक्योरिटी वगैरह लेके, मैंने ना कॉल वगैरह कर दिया है मेरे गैंग के बंदों को, तो मैं इसको पूछता हूँ यार सर ये सिक्योरिटी कहाँ मिलेंगे मुझे ये बताना, ये कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है, तुम तो खुद सिक्योरिटी गार्ड हो, अरे बट मेरे बॉस को चाहिए थी, ये कह रहा है कि तुमको जाना होगा लिबर्टी सिटी के ऑप्शन पर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके थैंक यू सर, ये कह रहा है कि तुमको सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हें क्या चाहिए भाई, इसे क्या बता मैं कौन हूँ, ठीक है यार क्या बोलूँ यार भाई, लिबर्टी सिटी के ऑप्शन में जाना पड़ेगा यार, वो सिक्योरिटी वैसे मिल नहीं रही मुझे यार, आप लोग चैट पे लिख रहे हैं गोस्ट गोस्ट भाई, वो सिक्योरिटी कहीं नहीं मिल रही, लिबर्टी सिटी में सब खत्म हो गई है, सब लोग ने ले ली, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या करूँ, सब ने ले लिया, अब क्या करेंगे इस, अब क्या ही कर सकते यार, अब ऑप्शन ख़त्म होने का वेट करना होगा, और हमें ना कैसी है जो भी स्टैचू वगैरह चुराना होगा भाई, अब अंदर तो हम चुरा नहीं सकते, अब सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट है यार, चलो अब वेट ही करते गए क्या ही सीन है। ऑल राइट यार गाइस, अभी ना बहुत टाइम हो चुका है,
और लग रहा है ना ऑप्शन खत्म हो चुका है। अभी मुझे फ्रैंकलिन का कॉल तो आया नहीं यार, जीता कौन है? और यहाँ पे डगन बॉस ना जा रहा है भाई, इसके हाथ में बैग वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब लग रहा है ना गाइस ऑक्शन में हार चुका है डगन बॉस। ओ शिट यार गाइस, बहुत अच्छी बात है, चलो इसकी सिक्योरिटी वगैरह जा रही है, बहुत ही अच्छी बात है यार, खुशखबरी की बात है गाइस फाइनली भाई डगन बॉस अपना फ्रेंड अभी भी होगा, वरना यार उससे मैंने से छीनना होता और बिचारे की ना बैंड बजाना पता नहीं बहुत मुश्किल होता वो, और 24 घंटे में करना तो बहुत मुश्किल होता। और एक सेकंड, अविनाश ठीक आ रहा है और इसके पास भी बैग नहीं है। यस गाइस फाइनली हमारे दोनों जो भी फ्रेंड वगैरह है ना, ये देखो मेरे सामने से जा रहा है, अगर मेरे अगर पास मास्क नहीं होता ना ये पहचान लेता, बट चलो यार गाइस फाइनली गाइस हमारे जितने भी दोस्त वगैरह है भाई उन्होंने ऑप्शन नहीं जीता, बहुत अच्छी बात है, वरना यार पता नहीं क्या होता और हमारे दुश्मन पड़ जाते। अब पता नहीं किसने जीता है भाई, मुझे नहीं पता किसके पास बैग वगैरह है, और भाई कैसे भाई हम लोग वो वाला बैग ना जो इसमें छोटा वाला स्टैचू रेनिस वाला भाई वो लेने वाले। सो यार अभी इस जो लड़की वाले अभी बहुत सारे इसमें ना, और एक सेकंड आई थिंक ये इंडिया के जो लोग हैं ना, और ये इसके पास भी नहीं है, चलो भाई ये भी नहीं जीता है। इंडिया के जो अपने अपना जो कस्टमर है ना भाई, जिसने अपने शोरूम से एक भाई रेयर कार परचेज़ की थी आई थिंक इसके बेटी के लिए की थी, और भाई ये भी खाली हाथ जा रहा है, मतलब यस गाइस ये लोग बच गए मेरे हाथ से यार, अच्छा हुआ भाई साहब। अरे एक सेकंड, ये आंटी को क्या हो गया? अरे आंटी जी, अरे इतना दुख क्या मना रहे हो गाइस? लग रहा है ना भाई दुख के कारण थोड़ा सा चीको पेस चल रही है। अरे आराम से, वो देखो बंदा गाड़ी ठोक देता अभी भाई, ये मेरे को लग रहा है इसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। एक सेकंड मेरे को जाना होगा इस, एक सेकंड गाड़ी वगैरह आ सकती है भाई, ज़्यादा ही सदमा वदमा लग गया क्या भाई? अरे चलते रहता है, ऑक्शन वगैरह तो आ रहे हो भाई, चलो थोड़ा रास्ता वगैरह पार कर रहा था, वरना गाइस यहाँ पे पता है लॉस एंजेलिस में कैसे फास्ट फास्ट गाड़ी चलती है, तो चलो बचा दिया यार गाइस, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए ना भाई, मतलब इंडिया के लोग आ रहे इधर तो थोड़ा सा, और पता नहीं यार किसके हाथ में अभी। एक सेकंड, बिग माफिया है ना ये भाई, इसके पास भी बैग नहीं है। ओ शिट गाइस, चलो इसकी सिक्योरिटी वगैरह भी जा रही है भाई, ये भी ऑप्शन हार चुका है, इसका मतलब भाई लड़की या भी जो भी लोग होंगे ना, जितने भी लोग अंदर बैठे होंगे उनमें से कोई जीता है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े लोग जो है ना वो हार चुके ऑप्शन, मतलब बड़े लोग मतलब ये पावर में, इनके पास पैसा तो है ही बट इनके पास पावर भी बहुत है। चलो यार अब फटाफट से चलो वहाँ पे ना, देखो वो आ गया फ्रैंकली। अरे नूप कॉल करता ना एक, अरे एक कॉल करके बताता जीता कौन है यार, जल्दी से चली तरह और फटाफट से बता जीता कौन है। तो ये कह रहा है कि लड़की जीत चुकी है। ओह शिट भाई, इसकी सिक्योरिटी देख कैसे लेंगे इससे स्टैचू, इसकी सिक्योरिटी कितनी पावरफुल है भाई, वेश वगैरह देख गाइस यार। फाइनली ना भाई अच्छा तो हुआ लड़की जीत गई, बट इसकी सिक्योरिटी देखो भाई साहब, अब भाई अगर इधर हमला वगला कर दिया ना भाई, इधर कैमरामैन वगैरह सब है, ये देखो कैमरामैन वगैरह सब है इधर, देख लो ये देखो भाई कैमरामैन फोटो वाले बेटे, अगर अपन ने इधर सिक्योरिटी बुला ली ना भाई, माइकल का नाम खराब होना ही है, तो एक काम करते गैंग वालों को बुला लेते गाइस, ठीक है ना। और देखो सब लोग चले गए, बस ये इसकी सिक्योरिटी वगैरह बची है भाई, अपने गैंग वालों को कोई पहचानता नहीं है अभी तक। फ्रैंकलिन एक काम कर, तू चला जा यहाँ से ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ी हो रहे हो, तू चला जा फ्रैंकलिन, तेरे पास तो वैसे भी वरना प्रॉब्लम वगैरह हो जाएंगी, मैं ना फटाफट से उनको गैंग वाले वैसे भी रस्ते में आते होगी, समझ रहे हो गाइस, तो मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो, अपनी सिक्योरिटी सब लोग जानते हैं, और भाई मैं नहीं चाहता कि माइकल एक्सपोज हो जाए, एंड वहाँ पर कैमरामैन देखो भाई कितने बड़े बड़े कैमरामैन फोटो वगैरह खींच रहे हैं वो। सो गाइस रिक्स नहीं लेंगे, बस आई थिंक दो ये ना, चलो गाइस इसकी सिक्योरिटी और इसकी एक मतलब उसकी खुद की कार, दोनों की कार है, सिक्योरिटी कार एंड दोनों की, चलो यार अच्छी बात है। बट वो अभी तक निकले क्यों नहीं है, कह रहे कि पैकिंग वगैरह कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है कोई ना गाइस, तू चला जा। ऑलराइट अपने गैंग के बंदे भी आ चुके हैं भाई, तुम लोग संभाल लेना ठीक है ना भाई, बहुत पावरफुल सिक्योरिटी है वो, पता नहीं बैटमैन वैंड सिक्योरिटी है यार गाइस। चल यार फ्रैंकलिन को भेज दिया मैंने गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, क्योंकि वो बंदा कैमरा वगैरह में तो आ गया है, और मैं नहीं चाहता कि कोई मैं माइकल एक्सपोज हो जाए वगैरह वगैरह, क्योंकि वो अभी उसका आप देख रहे हो ना भाई रूप वगैरह देख लो, बिल्कुल पहचान में आ रहा है कि वो बिल्कुल ना फ्रैंकलिन वगैरह नजर आ भाई। देखो तुम लोग को अभी ध्यान से लड़ना ठीक है ना, इनको मैं बोल रहा हूँ। अरे यार चलो इसको जाने देते हैं, हटो हटा रास्ते से हट जा भाई, अभी से नहीं हट रहा है तू, ध्यान का है तुम्हारा, चलो ठीक है बेटा, देखो मेरे पीछे पीछे आओ। और भाई क्या ही बोलो, अभी एक काम करते हैं ना गाइस, चलो कार ही निकाल लेते हैं,
कार ही निकाल लेते हैं, ठीक है कार ही निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरी कार इतने पीछे है ना भाई, अगर वो भाग गए वगैरह हो गए ना भाई लग जाएंगे। चलो फटाफट से ना निकाल लेते हैं कार को। और गाइस भाई लोग उसकी कार भी इधर ही, अगर चेस वरना चेस वगैरह करना रहा ना तो कर लेंगे। तो थोड़ा हम लोग क्या ट्राई करते गाइस, भाई उसको जाने देंगे नहीं, मेरा प्लान है कि इसको जाने देंगे नहीं, क्योंकि गैंग के बंदे मरे तो चलता है, मतलब ये लोग जो भी नए नए बंदे आए हुए ना हमारे गैंग में उन्हीं को बुलाया मैंने, वैसे तो अपने जो ऑफिशियल प्लेयर है उनको तो नहीं बुलाया, मतलब गैंग गैंग ही होती है ना। और एक सेकंड, अरे यार वो क्यों जा रहा है उधर, अरे वो कार लेके जा रहा है उधर, अरे मैंने सोचा यहाँ पे ही सबको निपटा देंगे चारों को। ओ शिट यार वो कार लेके जा रहा है, अरे कार ठोक दी भैंस की यार, अरे यार रोड पे जा रहा है गाइस, रोड पे पब्लिक वगैरह होगी एंड इधर कैमरामैन वगैरह भी है। शिट गाइस प्लान फेल हो गया भाई, प्लान फेल हो चुका है। यार भाई अगर जाने देंगे ना, ये कार बहुत फास्ट दिख रही है, बहुत फास्टेस्ट कार है, वो उधर जाके खड़ा हो गया, डायरेक्ट जाएंगी और डायरेक्ट के अंदर बैठ जाएंगी क्या वो, एक सेकंड आ तो नहीं रहे ना। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो छपरियो, तुम लोग को यार ट्रैफिक ही पास करना नहीं आता है, तुम लोग स्कूल के बच्चे पार कर लेते हैं यार उनके स्कूल से बाहर जाकर। अरे एक सेकंड वो आ तो नहीं रहे ना, एक बार देख लेते गाइस, कोई दिख नहीं रहा है। चलो भाई सब बहुत अच्छी बात है, और उसका भाई अब क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा, मुझे चेस वगैरह तो नहीं करना है इसका भाई, मुझे डायरेक्ट चुराना है, मारना है, काम खत्म करना, मारेंगे नहीं भाई, सिर्फ बैग वगैरह ले लो ठीक है। भाई ये कह रहे हैं कि यार देखो मारना ही होगा भाई, सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई साहब, वो भी सही कह रहे हैं गाइस, लग रहे हैं ना पहले सिक्योरिटी वगैरह को मारना होगा, सही कह रहे हो। मेरे को नहीं करना है चेज वगैरह करेंगे, मेरे को रिस्क वगैरह लेना नहीं है, ये कहीं भाग गए वगैरह हो गए ना प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, जीम ही मर जाएगा सिक्योरिटी को मार दो इधर ही, सही काम कर रहा हूँ भाई, जो होने दो भाई, क्या बोलते हो गाइस। भाई मैं नहीं चाहता कि प्रॉब्लम वगैरह हो जाए, वरना वो जाएंगे हमारे पीछे सिक्योरिटी वगैरह के हो जाएंगी, एंड मैं पहले भी ऐसे बहुत बार क्यों है, ये देखो भैंस क्या फाइट वगैरह शुरू कर दी हमने वैसे तो, चलो ठीक है, क्योंकि मैंने पहली बार भी बहुत बार ऐसे ही किया था, बट वो भाग जाते हैं सारे, क्योंकि उनके सिक्योरिटी बहुत, ये पता नहीं भाई खतरनाक लग रही है, तो भाई चेस करने देंगे नहीं। भाई मारो ना भाई, क्या हो गया, अरे मारो भाई वरना चाहिए, चार तो बंदे हैं, ओ शिट, अरे मारो खोपड़ी को, अरे उनके पास हैटिक ऊपर है तो क्या हो गया, मारो तुम लोग भी, तुम्हारे पास भी नहीं है, चलो सॉरी तुम लोग को नहीं दिया, अभी तुम लोग अभी तो गैंग ज्वाइन किए हो गए, अरे यार सॉरी दूसरे को मार दिया यार, अब बीच में आ गया बेचारा, यार मर ही नहीं रहे, पावरफुल सिक्योरिटी है ये तो भाई, बैटमैन टेन सिक्योरिटी यार, ये अपने को मिल सकती है लिबर्टी सिटी में से, बट अभी तो अपन लोग ने मास्क पहना है, ओह शिट बहुत पावरफुल है, अपने जैसे ही है, एनएसजी वगैरह एसपीजी होती है ना वैसे पावरफुल है, और बाप रे भाई साहब, भाई अपना एक बंदा गया, अरे मारो यार प्लीज यार, जिमी की जान खतरे में हो जाएंगी यार, मार दो प्लीज मार दो उसको भाई, कुछ नहीं हो रहा, बहुत पावरफुल आर्म है, एक और मर गया क्या अपना, नहीं गाइस मरने नहीं देंगे भाई, मारने होगा भाई, कुछ भी हो जाए भाई, उनके पास हैटेक ऊपर है भाई, फाइट करो कुछ भी करो, मैं नहीं जानता इनको, मार दो यार, पुलिस भी आ गई, मैटर गाइस बहुत बड़ा हो चुका है मैटर, अरे यार अपन लोग तीन ही है, और यार कसम से ना भाई बहुत गंदी वाली प्रॉब्लम हो चुकी है, वो लड़की पे ध्यान रखना, ओ शिट दोनों नीचे गिर गए, उठ जा प्लीज उठ जा भाई, मरना मत यार बस भाई, ये काम कर दो तुमको भाई, मैं जो चाहिए गिफ्ट कर दूंगा भाई, मरना मत, एक उठ गया, चलो एक उठ चुका भाई, तुम लोग मत मरना प्लीज़ यार भाई, तुमको जो चाहिए दिला दूंगा भाई, जिंदगी की जान बचा दो प्लीज़, एक सेकंड भाई मर ही नहीं रहे, बहुत पावरफुल आर्मर है, अपने जैसे ही आर्मर है इन लोग के पास, या ओ शिट भाई क्या ही हो रहा है गाइस, एक सेकंड भाई मार दे यार प्लीज़ भाई, तुमको मार दे, तेरे पे भरोसा है, जो चाहिए दे दूंगा भाई, यार इसका भी विकेट गिर गया गाइस, बेचारे को भाई कितनी कुत्ते की मौत मार दी यार, ये पुलिस वालों ने गेम खराब कर दिया गाइस, भाई हमारा प्लान था उसको पार्किंग में निपटा देंगे, बट यार वो उस बंदे ने कार ही उधर पार्क कर दी भाई, जैसे हमारा प्लान होता है ना वो ज़िंदगी में कभी होता ही नहीं है यार, ये जो उसने बात बोली है ना, जो प्लान के हिसाब से तुम करते हो वो कभी प्लान के मुताबिक नहीं होता है, तो यार एक बार चैट कर गरम धारा उछिया उठती यार, मतलब उसकी बात हमेशा सही निकलती है, तो चलो भाई अब मैं अकेला बचाऊँ यार, अब मेरे पास कोई चांस नहीं है,
अब भाई मैंने दूसरी वगैरह गन निकालनी होगी गाइस। चलो ये वाली गन से भाई मर रहे हैं ये लोग। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने अभी नोटिस किया मर रहे हैं वो भाई, ये वाली गन से ना भाई मर रहे हैं। चलो 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 ठीक है। और राइट ऑर्डर लड़की बाहर निकली नहीं अभी तक। वो शिट ये पुलिस वाले भाई, ये कार भी एक से अब जिंदा है ये। कोई ना कोई ना कोई ना, लड़की बाहर निकली नहीं अभी तक भाई, अंदर घुस के मारना पड़ेगा। एक सेकंड, ये पुलिस वालों को मार दो, एक सेकंड गाइस, बस अंदर घुस के ना इसको मार दूंगा। और जितने भी इसने स्टैचू वगैरह ऑप्शन से बाय किया ना भाई, सब कुछ ले लेंगे, छीन लेंगे और भाग जाएगी। और एक सेकंड तो पहले ना मार दूँ। सारी मेरा आर्मर वगैरह ब्रेक कर रहे हैं, आर्मर वगैरह ब्रेक कर रहे हैं कैसे। एक सेकंड गाइस। ओ शिट, लड़की बाहर निकल गई, लड़की बाहर निकल चुकी है। और ये पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इनको पता है ये मिलीनियर है, तो सारे के सारे आ गए। देख रहे हो साले छपरी हो, जब सादा कोई बंदा मरता है तो तुम लोग आते नहीं हो। वो भाग रही है यार, शिट शिट गाइस, हमारा जो प्लान के मुताबिक कभी कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा क्यों होता है? अगर सब कुछ होगा तो भाई फिर मज़ा ही कैसा गाइस, ये भी बड़ी बात है। अरे पता नहीं साइड में क्या लटका रही है। ऑलराइट, इसको चेस करना होगा यार। ये पुलिस कहाँ से आ रही है? अगर इनको पता चल गया ना माइकल है भाई, ख़त्म है फिर, सब ख़त्म है। प्रेसिडेंट से जितनी भी हमको सर्विस वगैरह मिल रही है सब ख़त्म, आर्मी वगैरह सब कुछ, हमारे पे केस वगैरह लग जाएंगे। और हमारे जितने भी सिक्योरिटी वगैरह है भाई, जितने भी हमारे सिक्योरिटी है ना भाई, सब पे मतलब वो कर देंगे बंद, मतलब समझ रहे हो गाइस, सब पे सैक्शन वगैरह लग जाएगा। और हम पे जितना भी है ना सब कुछ भाई सील कर देंगे, और कुछ भी नहीं होगा अपने पास, अपने पास सिर्फ गैंग के वजह और कुछ नहीं होगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा जितने भी लाइसेंस वगैरह वो सब कुछ कैंसिल हो, और हमारा बिजनेस वगैरह भी ना होगा, समझ रहे हो। फिर गाइस माइकल को फिर से ना भाई माफिया बनना होगा, और भाई शहर में ना चोरी वगैरह करनी होगी। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी लाइफ मैं जीऊँ, अच्छी वाली लाइफ जीऊँ, मिलीनियर वाली, एंड खुद से भाई खुद के पैसे कमाएँ। तो चलो यार चेस वगैरह करते पड़ रही है, मेरे को चोरी करनी पड़ रही है, क्योंकि जीमी के बच्चे के सवाल है, मतलब सॉरी जीमी का नहीं, माइकल का बच्चा जीमी, उसको बचाना है। चलो यार, अब यार भैंस क्या कितने गाड़ी भगा रही है, भगा कौन रही है मेरे को लग रहा है। अरे यार ये छपरी तो खटोला यहाँ से भाई, बेटा जाएंगे क्या बच्चे, ठीक है भाई। टर्न मार दी। यस, ये पुलिस वालों को एक सेकंड है, अभी निकालता हूँ। चल निकल छपरी साली, बहुत गाड़ी भगा रही। अरे ये तो भैंस क्या कि अंदर बैठा था क्या भाई, मैंने देखा ही नहीं उसको, ये कब बैठा था अंदर। ए फिर लड़की कहाँ गई, लड़की अंदर ही है। व्हाट भाई, लड़की को अंदर, भाई लड़की मेरे साथ में बैठी है भाई, इसको लेके जा भाई, इसको भगा के ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, तेरे पास स्टैचू है ना भाई, कह रही कि स्टैचू है भाई, मेरे को मेरी जान छोड़ दो, स्टैचू ले लो। अच्छा सर ठीक है, तेरी जान छोड़ दूंगा, मेरे को दे दे भाई, मेरे को तेरा जो भी है ना दे दे, और फटाफट से मेरे कंधे पे लटका दे। तो मैंने उसको बोल दिया गाइस, इसके हाथ में ना स्टैचू था और गाइस मतलब बैग में, मैंने उसको बोल दिया कि लटका दे फटाफट से, वरना तेरी जान तेरे को प्यारी है। कह रही कि मेरे को जिंदा छोड़ दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना भाई दे दूंगी भाई, सब कुछ ओपी द चैट गाइस। चलो भाई कोई बात नहीं यार, इसको मार दीजिए अभी भाई सब। यार ये पुलिस वाले बीच में आ रहे हैं यार, कोई एक काम कर, पुलिस वालों को बोल दे कि चले जाए प्लीज यहाँ से, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कह रही कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं मिलनेर हूँ, मैं थोड़ी ना उनकी ऑफिसर कमांडर हूँ। यार ये भी सही बात बोली है, अब यार तेरे को मारना तो होगा ही ना, अब इसने मेरी वॉइस सुन ली है गाइस। यार इसने मेरी वॉइस, एक सेकंड, ये मेरी वॉइस सुन ली है इसने, और ये कार के अंदर ना, वेट, ये कार के अंदर कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह चालू है भाई। हैश किया, कोई बात नहीं गाइस भाई, रिकॉर्ड कर रही है, इसको मारने हो, इस लड़की को मारने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको लग रहा है जिंदा छोड़ दूंगा। ओके मैडम जी, आपको जिंदा छोड़ दूंगा, ज़्यादा ही नाटक बन रही हो। ऑलराइट भाई, मास्क पहना है ना भाई, मेरी वॉइस की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। फिर ये जो है ना प्रूफ वगैरह दिखाई देंगे, एंड मतलब सब कुछ फाइंड वगैरह करेंगे। ऑलराइट यार, निकलना होगा मुझे कैसे भी करके, और ये पुलिस का पीछा छुटाना होगा। लेट्स गो। ओ शिट, ऑल राइट गाइस, चलो फटाफट से भगाना होगा, भगाते जाता हूँ। और पता नहीं ये क्या डंपर भाई लटक रहा है, ये कैसी गाड़ी है तेरी भाई, कलर भी चेंज हो रहा है। ये कह रहे कि टेंशन मत ले, ये कार बहुत यूनिक है, और इसका कार चेंज होते रहता है, क्योंकि भाई ये कार का कलर चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, तुम भी माफिया हो क्या, मतलब समझ रहे हो, इसका पिंक कलर है, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका भाई, पुलिस को तो पता चल गया इसका कलर चेंज हो रहा है गाड़ी का, है इसकी आग अब क्या फ़ायदेगा। ये कह रही कि अगर कोई भी तुमको पहचान लेना, मतलब इसकी सेफ्टी के लिए
ये ऐसा करती है कि कलर चेंज कर देती है गाड़ी का, वरना लोगों को पता चल जाता है कि ये मिलियनेयर है तो लोग इस पे जान में खतरा होता है ना, तो ये कलर चेंज कर डालती है देखो ऐसी, तो फिर कोई इसको पहचान नहीं पाता है, तो सबको लगता है पिंक पे गई थी तो उसकी काली कैसे, मतलब काली कैसे हो गई कार, उस ऐसा पिंक और काली चलता रहता है। तो यार अच्छी बात है वैसे, और वैसे ये कह रही कि भाई तुमको जितना पैसा चाहिए ना ले लो, बस मेरे को जिंदा छोड़ दो यार, मैं तो बस ऑप्शन में आई थी और कोई बात नहीं, और मेरा पार्टनर भी बहुत खतरनाक है। क्या पार्टनर मतलब, पार्टनर मतलब क्या क्या बोल रहे हो मैडम? पार्टनर ये कह रही कि पार्टनर मतलब मेरा बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं, जिससे मैं काम करती हूँ डील करती हूँ वही। ओह शिट, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अरे यार कोई दिक्कत की बात नहीं, आप भाई मेरे कुछ लेना देना नहीं तुमसे, ठीक है ना? मेरे को ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे चाहिए बस स्टैचू और कुछ नहीं चाहिए मैम। और तुम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना मैंने देख लिया, अब तुम सॉरी बट अब तुमको मैं क्या बोलूँ, अब आगे जाके तो पता चल जाएगा मैम, ठीक है भाई। बंदी ना ये कह रही है कि भाई देखो मैं जिसके लिए भी काम करती हूँ ना, मतलब हम दो लोग हैं, मतलब बहुत खतरनाक आदमी है भाई। कौन सा खतरनाक आदमी है? ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो तुम्हें ख़त्म करने होगा, अगर खतरनाक आदमी है तो तुम्हें मारने होगा, वरना भाई वो बदला लेने आ जाएगा तेरे पास। अरे कलर चेंज कर रहा हूँ कार का, फिर भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो भैंस की यार। यार ये पुलिस वाले पीछे ही पड़ गए यार, क्या ही बोलूँ। चलो 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 भाई फटाफट से ना, बस मेरे को बस पानी। ओ शिट मैम, तुम्हारे पाँव में ना मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब तो बाहर निकलो भाई। चलो यार सारे के सारे इसने मेरे को पैसे वगैरह भी दे दिए बैग में थे, और इसका जो स्टैचू वगैरह ना वो भी दे दिया, तो मैम सॉरी, सो सॉरी, माफ़ करना, बट तुमने मेरा वॉइस भी सुन लिया, अब तुम्हारी गाड़ी का जो भी है मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूँगा, जो भी है सैलरी कैसे वगैरह सब कुछ निकाल दूँगा। बैस क्या मतलब भाई, रिकॉर्डिंग कर रही है मेरी वॉइस की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको भाई, मतलब मेरे को पैसे दिए इसने इसके बैग में, और इसमें स्टैचू वगैरह भी है भाई, सबको मारने होगा, ये लोग बहुत पीछा कर रहे हैं मेरा। भैंस की आप टेंशन मत लो, तुमको मार के दम दूंगा भाई, करूँ भाई सॉरी, वैसे ही को नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि माइकल ने मास्क पहन रखा है, वरना पता चलेगा कि माइकल ही मार रहे हैं लॉस एंजेलस के लोगों को, तो भाई प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगी। सो चलो फटाफट से ना भाई निकलना होगा, और भाई ये पुलिस की कार लेके जाओगे? पता नहीं यार, आई थिंक पुलिस के लिए जाऊँगा तो भाई GPS ट्रैक कर देंगे, तो ज़िंदगी भर भागना होगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोई पार्किंग वगैरह होगा, पार्किंग वगैरह कहाँ है, इसको मार दो यार, इसकी भैंस की जाना यार, क्यों परेशान कर रहा है भाई, परेशान कर देते यार ये पुलिस वाले, जाने दो यार, काम करने दो मेरा, अब क्या करूँ यार, ये भी अपना काम ही कर रहे हैं। शर्ट यार मुँह पे वाली गिरता हूँ हमेशा, पता नहीं क्या दुश्मनी। ऑलरेडी ये कार मेरे को लग रही है, बस इस पर बैठता हूँ, और मेरे को जाना है समुंदर में, और बस समुंदर के गहरे में जाऊँगा, और गए डायरेक्ट आपको मिलूंगा भाई सेफ जगह, क्योंकि ऐसे ही जाते रहूँगा ना पूरे सिटी में तो बहुत टाइम लग सकता है, बस मेरे को देखना है पानी कहाँ पर है और उसमें जंप वगैरह करना है, फिर ये पुलिस से छुटकारा पाएंगे। और गाइस एक सेकंड यहाँ से शॉर्टकट वगैरह मार देते, मेरे को लगता है इधर से पुलिस वगैरह मेरे को पकड़ पाएगी। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट राइट लेते हो, राइट लेके थोड़ा स्ट्रेट जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट है, फिर जाके ना डायरेक्ट गाड़ी आई थिंक पानी में नहीं जा रही, जा रही जा रही। ओह शिट, इतने सारे लोग आ रहे, जाओ ना घर पर यार, पानी में क्या कर रहे हो, इतने ज़्यादा न्यूज़ देख नहीं रहे हो, लोग समुंदर में जा रहे हैं गिर रहे हैं फिर भी इनको समुंदर में आना है, क्या ही छपरी लोग यार, इतने ज़्यादा न्यूज़ चल रहे गाइस फिर भी इन लोग को समुंदर में आना है, सेल्फी वगैरह लेनी है भाई, मत करो यार सेल्फी, दूर रह के लो ना, समुंदर में मत जाओ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे। चलो यार गाइस फटाफट से ना जाता हूँ, बट मैं खुद चला गया, बट मेरे को तैरना आता है। ऑलराइट गाइस, पुलिस से ना छुटकारा पाना होगा, और फटाफट से चलता हूँ, और गाइस बस थोड़ा चलते जाता हूँ, एंड मेरे को लग नहीं रहा पुलिस इधर मेरे को चेस वगैरह कर पाएगी। चलो मस्त भाई कि ना, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। और गाइस मेरे को कॉल वगैरह करना होगा, मेरी RSVPG सिक्योरिटी यहाँ से नज़दीक है, अपना जो मैंशन है ना, मैंशन जो पुराना वाला, वहाँ पे जाएंगे। ऑलराइट इधर से मेरे को लग नहीं रहा कोई पुलिस वगैरह दिख नहीं रही है, तो फटाफट से बुलाता हूँ, हेलीकॉप्टर वगैरह बुलवाते हैं। और गाइस यहाँ पे ना पुलिस वगैरह मतलब मेरे को नहीं लग रहा आ पाएगी, बस बस वेट करना है, कॉल करना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो यार गाइस अभी यार वेट ही करता हूँ यार, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। चलो यार अब आने का वेट करता हूँ, अभी तभी मिलता हूँ आप लोग को। ऑलराइट यार गाइस फाइनली ना भाई अपना एक बंदा आ चुका है, इसको मैंने कॉल कर दिया था। चल यार फटाफट से बैठ जा, वरना पुलिस वगैरह कभी भी आते होंगे यार, वैसे मुझे नहीं लगता इधर वगैरह पुलिस वगैरह आएंगे, वैसे बहुत दूर आ गया था मैं, बट लेट्स गो। एंड गाइस फटाफट से अपने जो पुराने वाला मैंशन है भाई वहाँ पर चले जाते हैं, एंड वो ना नज़दीकी है, एंड मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, और वहाँ पे अभी कोई सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अपनी जो पुरानी SPG सिक्योरिटी थी ना
भाई वो लगी हुई थी, बट अब वो तो यार धोखा दे दिए। तो और गाइस अपने यार एसपीजी चली गई, के एसपीजी और अपनी मॉन्स्टर सिक्योरिटी, वो तो बेचारे सारे के सारे मरे गए। तो चलो फटाफट से ना आपको लोकेशन की ओर मिलती। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली हम लोग लोकेशन की ओर आ चुके हैं। और गाइस एकदम ना बढ़िया गाइस। और गाइस आप लोग के मुझे इंस्टाग्राम पे जो फोटो भेजे थे ना भाई, वो सबके फोटो में लगा दिया। पिछले वाले वीडियो में जिसने फोटो लगाए थे वो दूसरे वाले मेंशन, और ये वाले मेंशन पे मैं अलग फोटो लगवा रहा हूँ। तो यार जाओ जल्दी से भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई, टेलीग्राम पे फॉलो करो, व्हाट्सअप पे फॉलो करो, जल्दी से जाओ, क्योंकि यार मेरा चैनल में आ चुकी है प्रॉब्लम। और गाइस मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल डिलीट हो जाए और आप लोग को वीडियो में पहुँचा नहीं सकूँ। तो यार आप जाके मेरी हेल्प कर देना और इंस्टाग्राम वगैरह जाके फॉलो कर देना। और गाइस मेरे ना चैनल के अबाउट में दो और चैनल है, एजी आर्मी और अदनान फुर्ती। मैं उस पर एक पे लाइक करता हूँ और एक पे दूसरे गेम की वीडियो डालता हूँ, तो वो भी जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो यार फटाफट से ना आप लोग भी अपने अपने फोटो सेंड करो, और कहाँ लगवाना है आप लोग मेरे को बोल सकते हो। और एक ऐसी फ़ोटो लगवाई है ना मैंने, एक ऐसी फ़ोटो लगवाई है, आप लोग उसको देख के ना खुश हो जाओगे गाइस, खुश मतलब खुश हो जाओगे। तो आप लोग देखते रहो। और चलो यार अभी ना हम लोग जिसने जिसने मेरे को फ़ोटो सेंड करे थे ना भाई, ये इस वाले मेंशन में मैंने लगवा दी। तो गाइस ये देखो, ये अपने दीपक भाई ने फोटो पे नाम लिख दिया दीपक भाई, और इनका फोटो देखो मैंने एकदम ऊपर लगाया है। एंड चलो यार एकदम खतरनाक लगा है, पिछली बारी मैं इतना अच्छा लगा नहीं पाया क्योंकि यार पहले पहले होता है। एंड फिर ना अभी ये देखो गाइस, मतलब ये देखो यार ये कितनी मस्त फोटो लग रही है ना, ये देखो। एंड ये देखो और राइट वाली देखो यार, मतलब देखो पीछे मतलब दीवार है, और ये देखो गाइस खतरनाक वाले मियाँ भाई दिख रहे हैं अपने को। भाई साहब इनकी बहुत बड़ी वाली फ़ोटो लग गई इधर, एंड खतरनाक लग रही क्योंकि इनकी फ़ोटो बड़ी थी। तो यार ये देख रहे हो बिल्कुल पहाड़, और ये देखो पहाड़, एंड ये भी पहाड़ पे बैठा है क्या, और देखो आसमान में, इसके भी बैकग्राउंड में आसमान है एंड इसके बैकग्राउंड में भी। और ये इनका फ़ोटो देखो गाइस, ये दीवार है तो ये भी दीवार पे पीछे खड़ा ऐसा लग रहा है, रियली लग रहा है ना, देखो एकदम मतलब बढ़िया बनाई है भाई साहब, चलो बहुत ही बढ़िया। और फोटो दिखाते आपको, और भी लगाई जगह नहीं थी यार। और ये देखो गाइस सबसे खतरनाक फोटो ना भाई, एकदम बढ़िया फिट हुई है इधर। मैं सारे फ़ोटो देखा ट्राई करके, बट इस भाई के यहाँ पर फ़ोटो फिट हुई है, वरना इसकी फ़ोटो तो फिट ही नहीं हो रही थी गई। बट यहाँ पर एक जगह मिली और मैंने इधर ही लगवा दी, और ये भाई की जो लेफ्ट में लग रही है इनकी छोटी थी तो मैंने इधर लगवा दी। तो चलो वैसे भी इनकी तो HD लग रही है, मतलब एकदम बढ़िया लग रही है। तो चलो भाई तुम मस्त भाई की ना मस्त लग रही है, इसकी भी बढ़िया लग रही है। तो यार आप लोग भी भेजो अभी और सारे, रुको रुको ज़रा, अभी लास्ट में तो भाई तुम ऐसी फ़ोटो देखोगे ना भाई मज़ा ही आ जाएगा। चलो अभी और भी फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को एंड बताता हूँ। सो गाइस ये देखो, और भाई साहब मैंने ना ये दो बंदों की और फ़ोटो लगाई, इन्होंने मुझे फॉलो वगैरह कर रखा है तो आप लोग भी ज़रूर कर देना, और एकदम बढ़िया लग रहा है भाई साहब हमारे फॉलोवर सब्सक्राइबर, यार इनके लिए एक लाइक तो बनता है भाई साहब, खतरनाक वाली सेल्फी दे रहा है भाई। चलो ठीक है ब्रो, तुम्हारी फोटो लगवा दी, तुम्हारी विश पूरी कर दिए, तो आप लोग भी जाके मेरा वीडियो हर जगह शेयर कर दो इंस्टाग्राम पे भाई, स्टोरी मेरे को लगनी चाहिए भाई, मेरे को टैग कर दो ये वीडियो को, मतलब समझ रहे हो मेरे को टैग होना चाहिए जिसके भी मैंने फ़ोटो लगवाए ना भाई, अपने स्टोरी में मेंशन कर दो ये वाले फ़ोटो लगवा के, और मेरी आईडी मेंशन कर देना, हर जगह पे फॉलो भाई पहुँचा दो भाई। तो चलो यार अभी आपको एक लास्ट वाली फ़ोटो दिखा देता हूँ, जिसको देख के ना भाई दिल खुश हो जाएगा, एंड मेरा क्या भाई हर एक बंदे का। तो चलो यार वो फ़ोटो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। सो गाइस ये रहा अपना गैरेज, और ये फ़ोटो देखो गाइस कैसे लगी ज़रूर बताना भाई साहब, मतलब खतरनाक वाला पोस्टर लगवा दिया भाई GTA 5 में, मतलब भाई जीत गई है तो इंडिया, तो मैंने सोचा इधर भी लगवा दूँ। चलो बहुत ही अच्छा वाला काम मैंने कर दिया इधर, बहुत ही बढ़िया। अभी एक और फ़ोटो लगवा दिए, तो एक बाहर की साइड लगाइए। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये हर जगह में हर एक रोड वगैरह पे लगाओ, और एक लॉस सेंटर्स के बंदे को पता चले। तो गाइस अभी तो मैंने देखो इधर स्टैचू वगैरह ला लिया, ठीक है अभी मेरे को जीमी वगैरह को बचाने जाना है, बट अभी जाऊँगा मैं थोड़ी देर में। और गाइस देखो ये बाहर भी एक और फ़ोटो वगैरह लगवा दी, तो कैसी लगी ज़रूर बताना। तो अभी मेरे को जाना है स्टैचू वगैरह देने, और फिर ना गाइस जीमी वगैरह को मैं छोड़ दूँगा उधर से, समझ रहे हो भाई, उसको मैं छोड़ दूँगा, मतलब वो मेरे को छोड़ देगा। और पता नहीं यार गाइस गोस्ट मास्टर क्या करने वाला है। तो यार मैं वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई, तो मुझे वीडियो यहाँ तक एंड करना होगा। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी एक घंटे का वीडियो हो गया ना, आप लोग पूरा वीडियो वॉच भी नहीं करते हो, तो मैं सोचा यहाँ पे कट कर दूँ क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो वॉच नहीं कर रहे हो यार। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।